महाराष्ट्र में सत्ता के लिए सियासी घमासान जारी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम आए सप्ताह भर से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि किसकी सरकार बनेगी। देवेंद्र फडणवीस विधायक दल के नेता बन चुके हैं, वहीं गुरुवार को शिवसेना ने विधायकों की मीटिंग के बाद अपना रुख और भी कड़ा कर लिया है। मीटिंग में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री पद पर हमारा हक है और हमारी जिद भी है। बीजेपी से पहले जो बात हुई है वो पालन होनी चाहिए, नहीं तो दूसरे विकल्प खुले हैं। आपको बता दें कि शिवसेना का दावा है कि चुनाव से पहले दोनों पार्टियों के बीच 50-50 के फॉर्मूले पर बात हुई थी, लेकिन बीजेपी का कहना है कि शिवसेना के साथ ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि उनके सामने 50-50 की कोई बात नहीं हुई। अब शिवसेना बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है। खबर तो ये भी है कि बीजेपी शिवसेना को उप मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री पद देने के लिए तैयार है, लेकिन गृह, राजस्व, वित्त और नगरीय विकास जैसे विभाग शिवसेना को देने के लिए तैयार नहीं है। वहीं शिवसेना की नजर इन विभागों पर टिकी हुई है। शिवसेना बीजेपी गठबंधन से बनी पिछली सरकार की बात करें तो पिछली सरकार में शिवसेना को 6 कैबिनेट और 7 राज्य मंत्री पद दिए गए थे। शिवसेना पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने भी बीजेपी को चैलेंज करते हुए कहा, अगर बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि हमारे पास विकल्प खुले हैं, तो शिवसेना भी कोई बच्चा पार्टी नहीं है। हम 50 साल से भी पुरानी पार्टी है, विकल्प सभी के सामने खुले हैं। वहीं संजय राउत के बयान पर दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता ने शिवसेना पर तंज कसते हुए ट्वीट में एक कार्टून शेयर किया है। कार्टून में देवेंद्र फडणवीस एक रिंग लिए हुए दिख रहे हैं। इसी के साथ वो कहते हैं कि आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। कार्टून में फडणवीस एक शेर की ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। शिवसेना और भाजपा में इस वक्त मुख्यमंत्री पद कैबिनेट में हिस्सेदारी को लेकर विवाद चल रहा है। इन विवादों के चलते दोनों पार्टियों के बीच दरार पैदा हो रही है और दूरियां भी बढ़ रही है।